हाँ जी, तो क्वेश्चन रहेगा आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। तो क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर दो क्वेश्चन होंगे बेसिकली, एक ये और एक ये वाला। पहला कह रहा है, व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 4.8 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम फ्रॉम मोल्टन मैग्नीशियम क्लोराइड। तो आपको ये बात समझ आती है कि मोल्टन बोला है तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम ही होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड ही होगा यहाँ पर, ठीक है। तो मोल्टन स्टेट में मैग्नीशियम पर +2 फॉर्म रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर मैग्नीशियम इस तरीके से फॉर्म करना है आपको, ठीक है। तो आपको ये बात समझ आ रही है कि अगर हम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की डिमांड को देखें तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो एक मैग्नीशियम से एक सॉरी एक मैग्नीशियम आयन से एक मैग्नीशियम एटम बनने के लिए आपको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ रही है, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर 1 मोल मैग्नीशियम लिया होता आयन, 1 मोल मैग्नीशियम आयन लिया होता, तो यहाँ पर 1 मोल मैग्नीशियम एटम बनता, ठीक है ना। 1 मोल मतलब समझते हो ना, 6.02 × 10³, ठीक है। तो ये कारनामा करने के लिए मेरे को 2 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं। अच्छा, अब इसी को थोड़ा और समझते हैं। अगर मैं ये समझूँ कि 1 मोल मैग्नीशियम का कितना वेट होता है, याद करिए, तो हमें पता है कि देखिए मैग्नीशियम का एटमिक वेट कितना होता है, एटमिक मास कितना होता है, वो होता है 24U, ठीक है। जैसे ही 24U को आप ग्राम में बोल देते हो तो वो 1 मोल मैग्नीशियम का हो जाएगा मास। दोबारा से, 24U एक एटम का मास है और 24U ग्राम 1 मोल एटम का मास है, किसका है, मैग्नीशियम का, ठीक है। तो हमें ये समझ आया कि अगर मैंने 1 मोल यहाँ लिया है तो मेरे को यहाँ पे 24 ग्राम लिखना पड़ेगा, है ना। तो दोबारा से, 2 मोल इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है 24 ग्राम बनने के लिए, ऐसे भी कह सकते हैं ना। अब थोड़ा और समझते हैं। हमें ये बात पहले से पता है कि 1 मोल अगर इलेक्ट्रॉन है तो इस पे चार्ज कितना होता है, 1 फैराडे, या फिर ऐसे कह लीजिए 9,6500 कूलम, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 फैराडे यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, कितने के लिए, 24 ग्राम बनने के लिए, ठीक है। मेरे को बस यही बताना था कि ये किस तरीके से आया, उसके बाद हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो दोबारा समझिए, तो हमें समझ ये आया कि 2 फैराडे चाहिए 24 ग्राम के लिए, है ना। मेरे को कितना बनाना है, 4.8 ग्राम बनाना है। तो 4.8 ग्राम बनाते तो उसके लिए कितने फेरेडे की आवश्यकता पड़ेगी, एक्स मान लीजिए, और इसको एक्स की वैल्यू निकालिए और समझ जाएंगे आप, ठीक है। तो इसको काटा पिटी मचाएंगे तो यहाँ 0 आएगा, 24 × 240, 24 × 48, ठीक है, ये जाएगा यहाँ पर तो 4 हो जाएगा और ये कटेगा तो पॉइंट, तो एक्स की वैल्यू 0.4 आ गया यहाँ पर, आ रही बात समझे। तो 0.4 फेरेडे की आवश्यकता पड़ेगी आपको। 0.4 फैराडे का मतलब क्या होता है, एक्स की वैल्यू 0.4 फैराडे है। अब फैराडे मतलब क्या होता था, फैराडे मतलब होता था 9,6500, है कि नहीं। अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो, एक पॉइंट यहाँ से उड़ा सकते हो तो बचा कितना, 4 से गुणा करोगे तो 0, 4×5 = 20, तो 4×6 = 24, तो 38, सॉरी 4×6 = 24, 2×26 का 2 से लगे, 2×4 = 36, 2×38, ठीक है। इस तरीके से 38,600 कूलम आपका चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी। ये समझ आए ना कि कैसे फेरेडे से लिंक किया, ठीक है। अब इस बात को नोट कर लेते हैं कि आपको रिक्वायरमेंट कितनी है, 38,600 कूलम, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मच कैल्शियम विल बी प्रोड्यूस्ड इफ द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज पास थ्रू मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड। अभी बोल रहा है कि इतना ही चार्ज अगर आपने पास किया, ठीक है, मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड में, तो कितना कैल्शियम डिपॉजिट होगा। तो कैल्शियम के बारे में भी ऐसी चीज़ है कि कैल्शियम +2 से कैल्शियम बनने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी वही 1 मोल वाली बातें करें तो अगर ये 1 मोल लेते हैं तो यहाँ पे 2 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी, है ना, तब जाके तो कैल्शियम बनेगा। और जब कैल्शियम 1 मोल बनेगा तो इसका मतलब 40 ग्राम बनेगा, है ना। इसका मतलब ये है
दो फेराडे रिक्वायरमेंट है 40 ग्राम बनने के लिए, आ रही बात समझ में? और ठीक है, ये समझ आ गया। अच्छा याद करिए, जब हम लोगों ने एक्स निकाला था तो कितना था, 0.4 फेराडे, है ना? इसी को सॉल्व करने के बाद ये आया था ना, तो मैं ये यूज़ कर लेता हूँ कि मुझे ये समझ आ रहा है कि 2 फेराडे की रिक्वायरमेंट है कितने ग्राम बनने के लिए, 40 ग्राम बनने के लिए, और मेरे पास कितने फेराडे था, 0.4 फेराडे, तो इससे कितना बनेगा, एक्स मान लेते हैं, चलो वाई मान लेते हैं, एक्स पहले यूज़ कर चुके हैं, वाई, तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है, 4 पंजे 20, 5 8 40, तो इस तरीके से वाई की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास 8 ग्राम आ रहा है, आ रही बात समझ में? तो अगले क्वेश्चन को भी निपटा लेते हैं। तो क्या कहता है, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड, अरे व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर, इधर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, तो देख लेते हैं। देखिए हमें बात पता है कि डेल्टा जी नोट के बारे में बात कर रहा है। डेल्टा जी नोट क्या होता है, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू -NFe0, ये आपको फॉर्मूला याद रखना होता है, जिसमें एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, एफ आपका फेराडे और ई नोट आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें समझ आ रहा है कि अगर डेल्टा जी नोट की वैल्यू मोर देन 0 हुआ तो वो तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी रिएक्शन, ठीक है, ये हम लोगों ने थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ा था। वही डेल्टा जी नोट अगर लेस देन 0 है तो वो क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, समझ आती बात, ये आपको पहले याद रखना है। अब देखिए नेगेटिव रखने का मतलब इसको अगर नेगेटिव लेके आना है तो देखिए एन तो नेगेटिव होता नहीं है और ना एफ होता है, बचा ये, अगर ये नेगेटिव हो जाए, ये नेगेटिव हो जाएगा तो ये नेगेटिव इसको खा जाएगा और वैल्यू क्या लेके आएगा, पॉजिटिव, ठीक है, तो पॉजिटिव होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, आ रही बात समझ में? तो इसका मतलब अगर ई नोट की वैल्यू नेगेटिव में आई, सॉरी पॉजिटिव में आई, तो हम कह सकते हैं कि ये डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव में आएगी और डेल्टा जी नेगेटिव होते स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यही चेक करना है कि ई नोट की वैल्यू अगर पॉजिटिव में आती है तो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा यह रिएक्शन, अगर ई नोट की वैल्यू नेगेटिव में आती है तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं, तो ये होता है मतलब स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं कि आपके पास क्या है, तो आपके पास एक ई रिएक्शन है, ठीक है, और इस रिएक्शन में जो भी आपके पास ये जो मेटल है इनका रिडक्शन पोटेंशियल दोनों का दिया हुआ है, ठीक है, तो दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, ये बात कैसे पता चलेगी, तो आप देख रहे हैं कि Sn+2 से कहाँ जा रहा है, Sn में जा रहा है, ये जो डंडा मारा है यहाँ पर ऐसे करके, ये आपका फेज शो करता है ना, ठीक है, तो +2 से 0 पे जा रहा है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा, तो इस प्रोसेस को ही तो कहते हैं रिडक्शन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन रिडक्शन, है कि नहीं? तो दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल आपको गिवन है, तो जब भी रिडक्शन पोटेंशियल गिवन होता है तो ई नोट निकालने का तरीका यही है कि ई कैथोड माइनस ई एनोड करना सही रहता है, ठीक है, मतलब जो रोड कैथोड की तरह काम करेगा उसमें से एनोड वाला का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो घटा दीजिए, है कि नहीं? तो इस रिएक्शन से पता चलता है कि यहाँ पर जो आपका क्या कहते हैं इसको, Cu+2 है, Cu+2 कैथोड की तरह काम कर रहा है क्योंकि ये रिड्यूस हो रहा है और ये वाला आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, तो आपको यही करना है कि कैथोड में से एनोड को घटा देना है, तो कैथोड आपका हो गया कॉपर वाला और एनोड हो गया आपका टिन वाला, ठीक है, तो बस ई नोड की वैल्यू निकल गई आपकी, ई नोड की वैल्यू क्या होगी, 0.15 माइनस -0.14, ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 0.29 वोल्ट आ गया, ठीक है। अब इस वैल्यू को आप डेल्टा जी नोट में वैल्यू, अच्छा देखिए डेल्टा सॉरी ई नोट की वैल्यू कितनी आई, पॉजिटिव में आई ना यहाँ पर, 0.29 आई, तो यही बोला था ना कि अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो डेल्टा जी नोट की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन था यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, येस हो जाएगा, ठीक है। अब डेल्टा जी नोट भी तो निकालना है, तो डेल्टा जी नोट निकाल लेते हैं फटाफट, -NFe0, ठीक है, अच्छा माइनस एन क्या है यहाँ पर, एन क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कितना ट्रांसफर हो रहा था, आप चेक कर सकते हैं, ये प्लस, ये 0 से कहाँ गया, +2 पे गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर उधर हुआ होगा, ठीक है, और यहाँ पर भी ऐसे सोच सकते हैं कि यहाँ पर +2 से +1 गया है, ठीक है, लेकिन ये तो 1 इलेक्ट्रॉन का हुआ ट्रांसफ़र, लेकिन यहाँ पे 2 है ना, इसीलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे 2, ठीक है, तो इसका मतलब कुल मिला के ये कह सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 2 इधर उधर जा रहे हैं, ठीक है, तो
एन की वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड है कि नहीं। और ये जो फेराडे है वो क्या होता है, 9650 कूलम, ठीक है। अच्छा ये कूलम ही नहीं होता, कूलम पर मोल होता है, ध्यान रखना, तब जाके आपकी जो यूनिट आएगी वो जूल पर मोल में आएगा आंसर, किसकी, इसका यूनिट, ठीक है। अच्छा ई नोट की वैल्यू तो आपको पता ही थी अभी, 0.29 वोल्ट, ठीक है। देखिए सी वी इंटू वी है ना, सी वी जो होता है ये जूल हो जाएगा और पर मोल आपके पास है ही, ठीक है। अब ये काम आपको सॉल्व करना है, जैसे ही सॉल्व करोगे आपको वैल्यू कुछ आएगी, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, एक्स जूल पर मोल। अब ये एक्स की वैल्यू आप खुद ही निकालना, ठीक है, जो आप जो कैलकुलेशन करोगे ना वही हो जाएगा आपका एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख लेना इसको, वो आपके ऊपर छोड़ा जाता है, ठीक है। ओके चलिए, थैंक यू। अच्छा इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना होगा तो क्या होगा, किलो जूल में कन्वर्ट करना होगा तो कुछ नहीं भैया, के ऊपर लगा लेना, नीचे 1000 से डिवाइड कर देना, जो भी आएगा एक्स वगैरह उसमें के ऊपर लिख देना तो किलो जूल हो गया, और 1000 से डिवाइड कर देना तो किलो जूल पर मोल हो जाएगा। तो जैसी डिमांड रहेगी वैसे आप इसको कर सकते हैं। चलिए थैंक यू।